आज डालो हेडिंग चैप्टर नंबर 7, न्यू चैप्टर। चैप्टर नंबर 7 हेडिंग का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। पहले आज पूरे कॉन्सेप्ट लिखेंगे सारे, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट लिखते लिखते ज्यादा दिमाग मत लगाना, क्योंकि वो सिर्फ मैं लिखवाऊंगा, अभी समझाऊंगा नहीं। तो पहले आप सारे कॉन्सेप्ट लिखते रहना मेरे साथ साथ, फिर बाद में सब चर्चा करेंगे, ठीक है? तो लिखो सबसे पहले फर्स्ट एरो डाल के, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस चेंज इन रिलेशनशिप, चेंज इन रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स बट द फर्म कॉन्टिन्यूज, बट द फर्म कॉन्टिन्यूज, फुल स्टॉप। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, dissolution of firm means business is closed, dissolution of firm means business is closed and firm is dissolved, and firm is dissolved। इसमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को अंडरलाइन कर लेना और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म को अंडरलाइन कर लेना। तो बच्चे दो बातें होती हैं, एक होती है बात नंबर 1 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और एक होती है बात नंबर 2 डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि पार्टनर्स के रिलेशन में कुछ बदलाव आ गया है। तो आपने इसका चैप्टर 3 भी पढ़ लिया था, चेंज इन पीएसआर, या उसके बाद का चैप्टर भी पढ़ लिया था एडमिशन, उसके बाद के चैप्टर भी पढ़ लिए थे रिटायरमेंट, डेथ। तो वो सब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होते थे कि जिसमें पार्टनर्स के रिलेशन में कुछ परिवर्तन हो जाता था, लेकिन बिजनेस चलता रहता था, फर्म कॉन्टिन्यूज। पर अब हम जो नया चैप्टर पढ़ेंगे इसमें क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बात नंबर 2, इसमें बिजनेस ही बंद हो जाएगा। तो जब बिजनेस ही बंद हो जाएगा तो फर्म को डिसॉल्व कहते हैं, तो फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। तो अब जो चैप्टर है उसका इसीलिए नाम है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो फर्म जो है, बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा और फर्म पर ताला लग जाएगा। सेकेंड पॉइंट, मोड्स ऑफ dissolution of firm, modes of dissolution of firm, इसके ब्रैकेट में लिख लो very important। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो लिखते हैं पहले modes of dissolution of firm। नंबर 1, modes का मतलब है तरीके, क्या क्या तरीके हैं फर्म के डिसॉल्व होने के। नंबर 1, म्यूचुअल एग्रीमेंट, दैट इज वॉलंटरी डिसॉल्यूशन, म्यूचुअल एग्रीमेंट दैट इज वॉलंटरी डिसॉल्यूशन। इसका मतलब है अपनी सु इच्छा से अपने आप पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया कि चलो बिजनेस बंद कर लेते हैं, तो कर लेंगे अपने आप। नंबर 2, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, एग्जांपल इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स, कंपल्सरी डिसोल्यूशन एग्जांपल insolvency of all partners।
अगर सभी पार्टनर्स दिवालिया हो जाएं, दिवालिया मतलब बैंक्रप्ट हो जाएं, तो फिर वो फर्म जो है अपने आप ही बंद हो जाएगी। नंबर थ्री, डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट, डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट, इस पॉइंट पर अपना स्टार लगा लें, डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है कि बताओ अदालत कब डिसॉल्व करती है किसी फर्म को। हाँ, तो ऐसे मैं तीन पॉइंट्स लिख पाऊंगा कि कभी कभी क्या होता है कि कोर्ट भी डिसॉल्व कर देती है फर्म को। कोर्ट कहती है कि भाई ये फर्म को हम डिसॉल्व कर दें, ठीक है। तो कब कब ऐसा हो सकता है, कुछ बातें लिख लेते हैं। पहली बात में लिख लो पार्टनर, या ब्रैकेट में एस लगा लो, मतलब एक पार्टनर या सारे पार्टनर कुछ भी, बिकम्स पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। पार्टनर या पार्टनर्स जो है वो पागल हो गए, पार्टनर बिकम्स पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। दूसरा, पार्टनर ब्रैकेट में एस लगा लो बिकम्स परमानेंटली इनकैपेबल। कभी पता चला पार्टनर्स को कोई पैरालिसिस अटैक आ गए या कुछ भी इस तरह की परमानेंट इनकैपेसिटी हो गई, या परमानेंटली इनकैपेबल हो गए सारे पार्टनर से एक पार्टनर, कुछ भी जो भी कोर्ट को लगा, तो भी फर्म को डिसॉल्व कर सकती है कोर्ट। या फिर पार्टनर ब्रैकेट में एस फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, जो आपने कहा मैडम कि अगर फर्म कुछ गलत काम कर रही है या पार्टनर कोई गलत काम करते हुए पकड़े गए, तो भी कोर्ट फर्म को डिसॉल्व कर सकती है। तो कोर्ट अपने डिस्क्रिशन पर, मतलब अपनी इच्छा से, किसी भी कारण की वजह से फर्म को डिसॉल्व कर सकती है। ठीक, लिख लिए यहां तक तीन पॉइंट, बड़े आगे। इसके बाद पॉइंट नंबर फोर, मतलब ये वाला पॉइंट फोर बच्चे, जैसे थर्ड था डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट, अब मेन पॉइंट फोर। तो मेन पॉइंट फोर, बाय नोटिस इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, बाय नोटिस इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल के केस में पार्टनर्स चाहे तो एक नोटिस देकर भी अपनी फर्म को बंद कर सकते हैं, अपना एक नोटिस चिपका देंगे और बोल देंगे फर्म बंद हो गई। फिफ्थ, पब्लिक नोटिस। हाँ, पब्लिक नोटिस चिपकाना मतलब कि नोटिस बोर्ड पर लगा दिया या अखबार में छपवा दिया, तो पब्लिक नोटिस देकर बता देंगे कि हमने फर्म डिसॉल्व कर दी। उसके बाद फिफ्थ, happening of any event mentioned in partnership deed, happening of any event mentioned in partnership deed। कोई ऐसी घटना घटित हो गई जो partnership deed में लिखी है, तो भी फर्म बंद हो जाएगी। तो एक दो घटना मैं बता देता हूँ कैसी हो सकती है, जैसे डेथ ऑफ पार्टनर। कभी कभी पार्टनर्स डिसाइड कर लेते हैं, पार्टनरशिप डीड में लिख लेते हैं कि भाई अगर कोई पार्टनर मर जाएगा तो हम फर्म बंद कर देंगे, बिजनेस बंद कर देंगे, ठीक है। तो उन्होंने लिख रखा है पहले से, तो उनकी मर्जी। या सेकेंड, दूसरा इवेंट हो सकता है कंप्लीशन ऑफ वेंचर। उनको कोई काम कंप्लीट करना था, जब काम कंप्लीट हो गया, वेंचर कंप्लीट हो गया, तो उन्होंने सोचा चलो अब हम बंद कर देंगे बिजनेस। तो मतलब कुछ भी इवेंट हो सकता है जो पार्टनरशिप डीड में लिखा है एटसेट्रा, तो जिसकी वजह से भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट पॉइंट का नाम है सेक्शन 48
ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इसको ब्लॉक बना लेते हैं क्योंकि इट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इस टॉपिक में दो पॉइंट्स पढ़ने हैं हमें। पॉइंट नंबर वन, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, डैश डाल के बड़ा बड़ा लिखना है, लॉसेस, लॉसेस पर बादल बना लेना, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, डैश डाल के लॉसेस, लॉसेस पर बादल बना लेना। लिखो नीचे पहला, फर्स्ट एरो डाल के, फर्स्टली पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, फर्स्टली पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। दूसरा एरो बना के, देन पेड आउट ऑफ कैपिटल्स, देन पेड आउट ऑफ कैपिटल्स। और तीसरा एरो बना के, लास्टली बाय पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लास्टली बाय पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर इसका मतलब ये क्या है? तो ये है कि लॉसेस हो जाते हैं जब बिजनेस बंद हो गया और लॉसेस हो गए, तो उन लॉसेस की भरपाई कहां से की जाएगी? उन लॉसेस की भरपाई की जाएगी बच्चों, अगर हमारे पास कुछ पुराने प्रॉफिट्स पड़े हैं तो पहले उसमें से भरपाई कर देंगे, अगर वो प्रॉफिट्स भी कम पड़ जाएंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल में से उसकी भरपाई कर देंगे, अगर वो कैपिटल्स भी कम पड़ जाएंगी तो फिर पार्टनर अपने अपने घरों के बर्तन बेचकर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो पैसे को लेकर आएंगे, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, आपने बचपन में पढ़ा था। तो घर के बर्तन बिक जाएंगे लेकिन अगर नुकसान पूरा नहीं हुआ तो पार्टनर्स को घर के बर्तन भी बेचने पड़ेंगे। तो इस ऑर्डर में लॉसेस की भरपाई की जाती है। तो पहले पुराने प्रॉफिट्स अगर हैं तो उसमें से भरपाई कर लेंगे, अगर वो कम पड़ गए तो पार्टनर्स की पूंजी में से निकाल लेंगे, वो भी कम पड़ गए तो पार्टनर्स के घर के बर्तन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बिकते रहे। पॉइंट नंबर टू, एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। अब इसका मतलब है कि भाई बिजनेस तो बंद कर दिया, बिजनेस बंद कर दिया, सारे एसेट्स बेच डाले और सबको बेच के मान लेते हैं 10 लाख रुपए मिल गए। बिजनेस बंद हो गया, सारे एसेट्स बेच डाले और सारे एसेट्स बेच के 10 लाख रुपए मिले, तो उस 10 लाख रुपए को कानून ने एक ऑर्डर दे रखा है, आपको उसी ऑर्डर के हिसाब से उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 10 लाख रुपए मिले और आपने उसको अपनी मनमर्जी के हिसाब से यूटिलाइज कर लिया। एसेट्स को अप्लाई करना पड़ता है सेक्शन 48 के हिसाब से, कानून में सेक्शन 48 के हिसाब से ये ऑर्डर है बच्चों, उसी ऑर्डर में आपको ये एप्लीकेशन ऑफ एसेट करना पड़ेगा सेक्शन 48 के हिसाब से, ठीक है ना? तो ये आप इसी ऑर्डर वाइज इसको लर्न करना। तो मैं आर का सिंबल बना रहा हूं, मतलब ये आपको रटना है इसी ऑर्डर में, ठीक है जी। तो सबसे पहला नंबर लिखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, खर्चे। कानून ने बोला है सबसे पहले खर्चों का पैसा दो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, खर्चे। उसके बाद पैसा दिया जाएगा
आउटसाइड लाइबिलिटीज और डैश डाल के सिक्योर्ड, उसके बाद पैसा दिया जाएगा आउटसाइड लाइबिलिटीज को जो सिक्योर्ड वाले हैं। तो ऐसा समझ लो बिजनेस के बाहर लाइन लगी हुई है, आपने कहा है भैया एक के पीछे एक आना है, लाइन लगवा रहे हो आप। अगला नंबर आएगा आउटसाइड लाइबिलिटीज अनसिक्योर्ड वाले, फिर वो खड़े हो जाएंगे लाइन में पैसे लेने के लिए। उसके पीछे फिर आप लाइन में खड़ा करोगे पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स का लोन अगर कोई ले रखा होगा तो उसको पीछे लाइन में खड़ा कर दोगे। उसके बाद पीछे लाइन में लगेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स की कैपिटल जो होंगी वो फिर उसके बाद पे की जाएंगी। तो हालांकि इतने में पैसे खत्म हो जाते हैं वैसे तो, पर फिर भी अगर बच जाए तो लास्ट पॉइंट, बस लास्ट पॉइंट को बोलते हैं रेसिड्यू। रेसिड्यू मतलब अगर बच गया कुछ, इफ एनी, हालांकि बचता नहीं है, जब बिजनेस बंद हो जाता है और एसेट्स बेचे जाते हैं तो उतने पैसे मिलते नहीं है कि ये सब कुछ पे हो जाए, तो हालांकि रेसिड्यू बचता नहीं, पर थ्योरी पॉइंट है तो लिखेंगे। तो रेसिड्यू इफ एनी उसका क्या करेंगे सर, अमंग पार्टनर्स, वो पार्टनर्स के बीच बांट देंगे इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हालांकि बचेगा कभी नहीं, हालांकि आपके सवालों में बचेगा ना के बराबर, बट फिर भी ये ऑर्डर आपको लर्न करना है। तो पैसे जो है वो ऑर्डर वाइज दिए जाएंगे बच्चों, जहां पैसा खत्म वहीं पे कहानी खत्म रुक जाएगी। तो ऑर्डर वाइज ही ये पैसा दिया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले खर्चों का पैसा, उसके बाद बाहर वाली लाइबिलिटियां जो सिक्योर्ड हैं, फिर उसके बाद बाहर वाली लाइबिलिटियां जो अनसिक्योर्ड हैं, उसके बाद पार्टनर का अगर कोई लोन है, और उसके बाद अंत में पार्टनर की कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट मतलब नेक्स्ट हेडिंग मेन पॉइंट, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, इस हेडिंग का नाम है सेक्शन 49 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। लिखो सर, किताब में कुछ खजाना अभी नहीं है, किताब को बस्ते में रख दो अभी, जब किताब खोलनी चाहिए घर में पढ़ाई के लिए तब खुलती नहीं, और जब अभी आदेश दिया है कि अभी लिखना है पहले, तो फिर किताब में खजाने ढूंढ रहे हैं बच्चे। तो अभी किताब का कोई काम नहीं है अभी फिलहाल। अच्छा सेक्शन देख रहे थे, तो सेक्शन 49 ऑफ पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो जैसे पुराना वाला सेक्शन 48 था वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वो तो काफी इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट, वो सेक्शन याद कर लेना बच्चों 48। तो 49 थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, पर इसके बारे में लिखते हैं। इसमें क्या है, पहला छोटा सा पॉइंट लिखते हैं, फर्म्स डेट। फर्म्स डेट, फर्म्स डेट किसे बोलते हैं, तो लिखो डैश डाल के डेट ओन्ड बाय फर्म टू आउटसाइडर्स, ठीक है। तो सिंपल मीनिंग मतलब ये तो बच्चा नर्सरी में ही सीख जाता है, फर्म का डेट मतलब क्या, जो फर्म ने डेट ले रखा है, जो फर्म को आउटसाइडर्स को पे करना है, तो उसको बोलते हैं फर्म्स डेट। सेकंड, प्राइवेट डेट। प्राइवेट डेट, प्राइवेट डेट किसको बोलते हैं, डेट ओन्ड बाय पार्टनर्स इन पर्सनल कैपेसिटी, डेट ओन्ड बाय पार्टनर्स इन पर्सनल कैपेसिटी। अब किसी पार्टनर ने अपने पड़ोसी से 10 लाख रुपए ले रखे हैं उधार, ठीक है, किसी पार्टनर ने, ए पार्टनर ने अपने पड़ोस में रहने वाले शामू से 10 लाख रुपए उधार ले रखे हैं, तो क्या मैं उसको फर्म्स डेट बोलूंगा, वो फर्म की लायबिलिटी तो नहीं है ना, वो तो पार्टनर ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कोई लोन ले रखा है। तो ये दो छोटे छोटे टर्म्स हैं, फर्म्स डेट और प्राइवेट डेट, ठीक है। फर्म डेट मतलब फर्म की लायबिलिटी,
प्राइवेट डेट मतलब पार्टनर की लायबिलिटी। ओके बोलो हाँ। इसके बाद नेक्स्ट, ये इसी सेक्शन 49 में ही चल रहा है, अगला हाथ का निशान बना के, यूटिलाइजेशन ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, यूटिलाइजेशन ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, फर्म की प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी। चलो पूछूंगा, दिमाग लगा के बताना है। फर्म की प्रॉपर्टी, फर्म की प्रॉपर्टी बताओ। फर्म की प्रॉपर्टी से पहले मैं पार्टनर के डेट पूरे करूं, मतलब प्राइवेट डेट को पूरा करूं, या फर्म के डेट को पूरा करूं? फर्म की प्रॉपर्टी से क्या पूरा करें, किसकी भरपाई करेंगे? फर्म डेट की भरपाई करेंगे। तो बस ये छोटा सा नियम है, तो मतलब ये नियम क्या है तो बच्चा लॉजिकली वैसे ही बता देगा। तो यूटिलाइजेशन ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी में लिखना है, हाँ पहले लिखते हैं फिर बताता हूँ। फर्स्ट पे फर्म्स डेट, पहले इससे हमको फर्म के डेट पूरे करने पड़ेंगे। फर्म की प्रॉपर्टी से पहले फर्म के डेट की भरपाई करेंगे। और सेकेंडली, या सेकेंड पॉइंट सेकेंड करके, सेकेंड पे प्राइवेट डेट, अगर उसके बाद पैसे बच गए कुछ तब प्राइवेट डेट पे कर जाएंगे। हाँ जी अब बताओ। हाँ पर्सनल कैपेसिटी तो होती है, लेकिन फर्म में पार्टनर्स ही तो होते हैं ना। अब मान लो फर्म की प्रॉपर्टी से फर्म की सारी लाइबिलिटियां चुकता हो गई, ठीक है, अब फर्म में जो भी पैसा बचा वो अल्टीमेटली पार्टनर ही घर ले जाएंगे, क्योंकि बिजनेस तो बंद हो गया है ना, बिजनेस तो बंद हो गया। तो फर्म की प्रॉपर्टी से हमने फर्म की लाइबिलिटियां तो चुकता कर दी, डन। अब उसके बाद भी अगर कुछ पैसे बच गए तो ठीक है, ये अपने अपने घर ले जाएंगे, जिसको अपने दोस्त को देना होगा, जिसको बिजली का बिल भरना होगा, किसी को बर्तन खरीदने होंगे, तो अपने प्राइवेट डेट उससे पूरे कर लेंगे। उसके बाद आखिरी पॉइंट इस सेक्शन में, यूटिलाइजेशन ऑफ पार्टनर्स प्रॉपर्टी, यूटिलाइजेशन ऑफ पार्टनर्स प्रॉपर्टी, पार्टनर का जो घर है, जहां पार्टनर रहता है उसकी अपनी घर की प्रॉपर्टी, घर में सोफा रखा है, डाइनिंग टेबल रखी है, बर्तन रखे हैं, पार्टनर की अपनी प्रॉपर्टी, बताओ उससे पहले क्या देंगे फिर बाद में क्या? पहले क्या पे करेंगे? प्राइवेट डेट। भाई पहले पार्टनर अपना बिजली का बिल तो जमा कर दे, अपने मोबाइल का बिल तो जमा कर दे, पहले अपनी प्रॉपर्टी से हर व्यक्ति अपना डेट पहले पूरा करेगा ना। तो पार्टनर की प्रॉपर्टी से पहले हम क्या पे करेंगे? उसका अपना प्राइवेट डेट। और अगर उसके घर में कुछ बर्तन बच गए मान लो फिर भी, सेकेंडली, उसके बाद फिर फर्म्स डेट पे किए जाएंगे। तो मतलब सिंपल है, मतलब इसका अगर मैं निष्कर्ष लिखूं सिंपल भाषा में, कि जिसकी प्रॉपर्टी है उसका डेट पहले पे करना है, जिसकी प्रॉपर्टी उसका डेट पहले, सिंपल। तो अगर फर्म की प्रॉपर्टी है तो पहले फर्म का डेट पे होगा, पार्टनर की प्रॉपर्टी है तो पहले पार्टनर का अपना घर का बिजली का बिल पे होगा। तो जिसकी प्रॉपर्टी वही अपना डेट पहले पे करेगा। इसके नीचे अब आप एक बड़ी सी लाइन लगा सकते हो। तो ये आपकी सारी थ्योरेटिकल बातें हो गई फिलहाल, मतलब फिलहाल क्या पूरे चैप्टर की ही हो गई। अब इसके नीचे अंडरलाइन लगाने के बाद अब आपको लिखना है बड़ी बड़ी हेडिंग में, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये अब लिखते हुए आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, घबराहट भी लगेगी, बहुत अजीब सा भी लगेगा, तो अभी इसमें बिल्कुल चिंता मत करना। अभी सब बातें जब अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे तब सीखेंगे, आज सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूं। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो पूरा चैप्टर जो है आज, पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट आज ही खत्म हो जाएगा। तो ये चैप्टर जो है इसलिए छोटा चैप्टर है, आज ही इसके सारे कॉन्सेप्ट लिखते लिखते खत्म हो जाएगा। चलो तो लिखो, इन दिस चैप्टर
we have to prepare following ledgers फिर डैश डाल के ए रियलाइजेशन अकाउंट बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सी पार्टनर्स लोन अकाउंट ब्रैकेट में ओनली इन स्पेसिफिक केसेस और डी कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट एक ही बात है दोनों में से कुछ भी एक ही बात है तो इन दिस चैप्टर वी हैव टू प्रिपेयर फॉलोइंग लेजर्स रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स लोन अकाउंट ओनली इन स्पेसिफिक केसेस और कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट सेकंड पॉइंट Sometimes question says that do not prepare ledger accounts, do not prepare ledger accounts, rather pass necessary journal entries, rather पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज कभी कभी क्वेश्चन लेजर को मना कर देता है और उसकी जगह कहता है जर्नल एंट्री करके दिखाओ तो अब हम पहले करेंगे कॉन्सेप्ट लिखेंगे मतलब सारा जर्नल एंट्रीज का तो अब आप मेन हेडिंग डालना जर्नल एंट्रीज लिखो जी जर्नल एंट्रीज में पॉइंट नंबर वन फॉर क्लोजिंग ऑफ एसेट्स फॉर क्लोजिंग ऑफ एसेट्स लिखो एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट एसेट अकाउंट के ब्रैकेट में लिख लो इंक्लूडिंग गुडविल इस चैप्टर में गुडविल को भी नहीं छोड़ना बैलेंस शीट में इंक्लूडिंग गुडविल कॉमा एक्सक्लूडिंग कूड़ा कूड़ा समझ गए वही फिक्टिशियस एसेट्स तो एसेट्स के अंदर इंक्लूडिंग गुडविल लेकिन एक्सक्लूडिंग कूड़ा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट इंक्लूडिंग गुडविल लेकिन एक्सक्लूडिंग कूड़ा कूड़ा वाला करकट वाला कोई एसेट का एग्जांपल दो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वेरी गुड एक और दो पीएनएल लॉस का डेबिट बैलेंस सही तो यही दो चलते हैं अपने बाजार में तो इसके बाद नंबर टू फॉर क्लोजिंग ऑल द आउटसाइड लायबिलिटीज फॉर क्लोजिंग ऑल द आउटसाइड लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस For closing all the outside liabilities and provisions, outside liabilities account debit, provisions account debit to realization account, to realization account. आउटसाइड लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट प्रोविजन्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट
पॉइंट नंबर थ्री फॉर सेल या ऑब्लिक रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स ब्रैकेट में रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड फॉर सेल या रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स ब्रैकेट में रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट पॉइंट नंबर फोर फॉर टेक ओवर ऑफ एसेट ब्रैकेट में रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड बाय पार्टनर फॉर टेक ओवर ऑफ एसेट ब्रैकेट में रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड बाय पार्टनर फॉर टेक ओवर ऑफ एसेट रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड बाय पार्टनर तो इसकी एंट्री लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट लिख लिया यहां तक सब बच्चों ने लिख लिया बड़े आगे उसके बाद पॉइंट नंबर फाइव टू पे ऑफ आउटसाइड लायबिलिटीज ब्रैकेट में रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड टू पे ऑफ आउटसाइड लायबिलिटीज ब्रैकेट में रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड तो लिखो एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आउटसाइड और टू कैश अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट उसके बाद पॉइंट नंबर सिक्स टू टेक ओवर लायबिलिटीज ब्रैकेट में रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड बाय पार्टनर to take over liabilities recorded or unrecorded by partner so likho entry realization account debit to partner's capital account sir ye sab kya ho raha hai ये सब अभी जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट्स हो रहे हैं जो आप बाद में धीरे धीरे चैप्टर में आगे सीख जाओगे पॉइंट नंबर सेवन क्योंकि पूरा बिजनेस बंद हो जाता है ना तो बिजनेस को बंद करने के लिए सौ तरह के झमेले तो ये सब झमेलों की जर्नल एंट्रियां हो रही हैं इसमें दोनों की सेम प्रोबेबिलिटी है मतलब लेजर भी आ सकते हैं जर्नल भी आ सकते हैं हाँ जी कोई डाउट क्या हाँ बिल्कुल सही हालांकि मेरे को सिखाना है सब अभी किसी को भी नहीं पता होगा लेकिन फिर भी आपने पूछ लिया तो बता देते हैं रिकॉर्डेड का मतलब होता है जो बैलेंस शीट के अंदर दे रखे हैं और अनरिकॉर्डेड का मतलब होता है जो बैलेंस शीट के बाहर या अलग से दे रखे हैं ठीक है तो ये अभी जब पढ़ेंगे तब सिखाना था पर बता दिया चलो कोई दिक्कत नहीं है पॉइंट नंबर सेवन व्हेन एन एसेट ब्रैकेट में रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड
is given to a liability, ब्रैकेट में रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, व्हेन एन एसेट ब्रैकेट में रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड इज गिवन टू अ लायबिलिटी, हाँ भाई ये क्रेडिटर खड़ा है और हमने अपनी मशीन उसको दे दी, हमने कहा ये लो क्रेडिटर मशीन ले लो, तो व्हेन एन एसेट इज गिवन टू अ लायबिलिटी, तो बड़ा बड़ा लिखना है नो एंट्री, उसके बाद ठीक है लिख लिया बड़ा सा नो एंट्री, उसके बाद पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 का नाम है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, खर्चे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ए पॉइंट, इसको बच्चों शॉर्ट में आर ई लिखेंगे, लेकिन ये एग्जाम के लिए नहीं है, बस अपने अभी के लिए ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को शॉर्ट में आर ई लिख लेंगे, तो लिखो ए पॉइंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म, तो लिखो इसके नीचे एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय पार्टनर, तो लिखो जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पॉइंट नंबर सी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय फर्म, लिखो एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पॉइंट नंबर डी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय पार्टनर, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय पार्टनर, तो इसके नीचे बड़ा बड़ा लिखना है नो एंट्री, पॉइंट नंबर ई पहले यहां तक लिख लो, यहाँ तक लिख लिया पहले सब बच्चों ने, लिख लो अच्छा पहले फटाफट, ये बॉर्न का और पेड का मतलब क्या होता है वो बता देता हूँ, चलो इतने जब तक आप टाइम ले रहे हो, जैसे कई बच्चे मुझे फीस पे करते हैं, वो आते हैं अपना पैसे लेकर आते हैं, दे दी सर ये लो हमारी फीस ले लो आप, तो फीस पे तो आप कर रहे हो, फीस पे तो आपने करी पेड बाय यू, पर उसका बोझा कौन उठाता है उस पैसों का, पिताजी, तो बॉर्न का मतलब होता है वो व्यक्ति जो लायबिलिटी का बोझ ढो रहा हो, और पेड तो भाई कोई भी कर सकता है, आपने पापा से पैसे लिए आके मुझे पे कर दिए, तो पे मतलब अलग बात होती है, बॉर्न मतलब अलग बात होती है।
ठीक है ना। तो हालांकि सवालों में समझना था पर सोचा चलो इसी बीच समझा देते हैं, ठीक है, लिख लिया। उसके बाद पॉइंट नंबर ई, पार्टनर इज पेड फिक्स्ड कमीशन ब्रैकेट या ऑब्लिक और रेम्यूनरेशन या ऑब्लिक फिक्स्ड अमाउंट। पार्टनर इज पेड फिक्स्ड कमीशन या ऑब्लिक रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मतलब वही होता है एक तरह से सैलरी की तरह, या ऑब्लिक फिक्स्ड अमाउंट। तो लिखो इसकी एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, स्टार डाल के लिखना है। इन दिस केस ई देयर मे बी एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इन दिस केस ई देयर मे बी एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कॉमा फॉर विच वी हैव टू, फॉर विच वी हैव टू वेरी केयरफुली रीड द क्वेश्चन, फॉर विच वी हैव टू वेरी केयरफुली रीड द क्वेश्चन and identify one of the cases as discussed from A to D, A से लेकर D तक। We have to very carefully read the question, जो आप करोगे नहीं वैसे तो, and identify one of the cases as discussed from A to D, ठीक है। उसके बाद कौन कितने पॉइंट हो गए जी, 8 हो चुके पॉइंट। उसके बाद पॉइंट नंबर नाइन लिखो जी, पार्टनर्स लोन ए पॉइंट, when partner has credit balance in capital account, तो लिखो जर्नल एंट्री, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद पॉइंट नंबर बी, ये लिख लिया पहले। उसके बाद पॉइंट नंबर बी, when partner has debit balance in capital account, तो लिखो एंट्री, partners loan account debit, फिर एक लाइन छोड़ देना, टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन कभी कभी इसमें हो सकता है एंट्री में कुछ बैलेंस बचना शुरू हो जाए, या तो नीचे या ऊपर, कहीं पर भी बचेगा तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट। ठीक है, तो दोनों में से कहीं पर भी कैश अकाउंट बच सकता है। पॉइंट नंबर 10, फॉर प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन प्रॉफिट की जर्नल एंट्री। तो प्रॉफिट की लिखो जर्नल एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और करके इसमें लिख लो फॉर लॉस ऑन रियलाइजेशन, और अगर भगवान ना करे लॉस आ गया तो लिख लो जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और लास्ट पॉइंट नंबर 11, लिख लिया? अच्छा, लिख लो जल्दी। तो प्रॉफिट की